गाइज, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। तो दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद गाइज हमें क्या करना है, उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काइन मास्टर ओपन किया है। और ओपन करने के बाद गाइज हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। और देन क्लिक करने के बाद गाइज हमें ये 16:9 वाले आइकन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और देन सिलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले इस मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से ये बैकग्राउंड दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से हमें कोई सा भी बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और देन सिलेक्ट करने के बाद इसे वीडियो के मुताबिक ऐसे बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं उतना बड़ा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ से लेयर वाले आइकन पे आएंगे और यहाँ पे इस मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद गाइज हम एक वीडियो ले लेने हैं जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पे ले लिया। और उसके बाद गाइज इस वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट वाला आइकन ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये वीडियो है पूरा जो इसमें एडजस्ट हो गया, उसके बाद यस कर देंगे। उसके बाद गाइज हमें यहाँ पर आ जाना है लास्ट में और यहाँ पर ऐसे इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। और उसके बाद ऐसे जो यहाँ से इसे हमें ट्रिम कर देना, कैंची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ कर देंगे ऐसे। और इस वीडियो को भी कैंची वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट ऑफ कर देंगे ऐसे। तो ये दोस्तों हो गया। उसके बाद गाइज क्या करना है, इस जो बैकग्राउंड है इसका कलर आप ब्लू कर लीजिए, मैं फ़िलहाल यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ। उसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे देखिए ये क्रोमा की का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और देन इसे हमें यहाँ से इनेबल ऐसे कर देना है। अब देख सकते हैं ये जो है हमारा ये ग्रीन स्क्रीन था तो ये ब्लू स्क्रीन हो गया, ये बैकग्राउंड इस वीडियो का चेंज हो गया है। ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो था, इसका बैकग्राउंड चेंज होगा। उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो का ग्रीन स्क्रीन वीडियो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है की कलर, ये की कलर मतलब आपको ग्रीन ही यहाँ पे रहने देना है, ग्रीन ही लेना है की कलर, ये ग्रीन। देखिए जैसे मैं यहाँ पे दूसरा लूँगा तो देखिए ये हमारा जो वीडियो है कुछ इस तरह है, इस तरह का हो जाएगा, मतलब बढ़िया नहीं होगा। तो हमें की कलर यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है, कैसे वो इसलिए क्योंकि वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो था। उसके बाद गाइज हमें देन यहाँ से ऐसे आप ऐसे इस तरह एडजस्ट कर लीजिएगा बढ़िया से, तो देन इसे हम एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद गाइज हम क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है, हल्का सा ब्राइटनेस दे देना है ऐसे। और इसे भी हल्का सा ऐसे ब्राइटनेस दे देंगे और देन इसे यस कर देंगे। उसके बाद गाइज क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे 5.9 पे आ जाना है, हाँ 5.9। और इस पर क्लिक करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है सॉरी। उसके बाद इस कैंची वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसे ये सेकेंड वाला स्पीड एड प्ले हेड कर देना है, ये सेकेंड वाला नहीं थर्ड वाला आइकन स्पीड यहाँ से ऐसे कर दे। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है हमें, यहाँ पे देख लेंगे ऐसे जहाँ से इस वीडियो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 11.9 पे आ जाना है। और इसे भी इस कैंची वाले आइकन में क्लिक करेंगे और स्पीड एट प्ले हेड कर देंगे ऐसे। और उसके बाद क्या करना है, हमें इस वीडियो में जो मतलब पिक्चर लगाना चाहते हैं फ़ोटो, उसके बाद उस फोटो को यहाँ पर हम ऐड कर ले रहे हैं। तो फिलहाल इस लेयर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर मीडिया पर, और जो आप फ़ोटो लगाना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं ये एक फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ आपको, कोई सा भी फ़ोटो एक यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको ये वाला फ़ोटो ऐड करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसे ऐसे बड़ा कर लेंगे थोड़ा और उसके बाद क्या करना है हमें, ये हो गया। और उसके बाद हमें इस वीडियो पर क्लिक करना है और इसे यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फोटो है इसमें ऐसे
ऐड हो गया है, लग गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद गाइस क्या करना है हमें, इस पर क्लिक करना है इमेज पर, और यहाँ पे ये चाबी का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से ऐसे इस तरह हमें इसमें ऐसे एडजस्ट करते रहना है, ऐसे हिलाते रहना है, और इसे वीडियो को ऐसे भगाते रहना है हल्का हल्का, और इस पिक्चर को यहाँ ऐसे इसमें एडजस्ट करते रहेंगे। ये जो ब्लू स्क्रीन दिख रहा है ये दिखना नहीं चाहिए, ये फ़ोटो दिखना चाहिए इसमें। तो ऐसे हमें एडजस्ट करते रहना है गाइज, तो ऐसे भी ऐसे ही आप कर लीजिएगा ऐसे एडजस्ट, इसे छोटा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे एडजस्ट। ऐसे ऐसे सेम ऐसे कीजिएगा, ऐसे ही कर लीजिएगा, देन इसके बाद यस कर देना है। उसके बाद इसमें भी आपको वैसे ही करना है जिस जैसे मैं ये फर्स्ट वाला में किया हूँ, ऐसे भी आप इसे भी इसमें भी ऐसे ही कीजिएगा। फ़ोटो इसमें भी दूसरा है, मतलब फ़ोटो ऐड करने तो दूसरा कर लीजिएगा, नहीं तो ये वाला फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको प्ले करके इस वीडियो को दिखा देता हूँ। हाँ, और गाइस उसके बाद इसमें अगर आप जो सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं यहाँ से, तो देखिए हमारे फाइल के जितने भी सॉन्ग यहाँ पे हैं सो इसमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप जो चाहें इसमें से वो सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे जैसे मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद इस प्लस वाले आइकन में क्लिक करके इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा सॉन्ग ऐड हो गया। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ये सॉन्ग नहीं ऐड कर रहा हूँ, ऐसे डिलीट कर देता हूँ। ये जो वीडियो में है इसका ही सॉन्ग है इसमें, तो चलिए मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ भी वीडियो हमारा इस तरह का बन गया है। तो इसमें सॉन्ग मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमें सॉन्ग यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आपको यहाँ से आएंगे, कोई सा भी यहाँ पे सॉन्ग, बहुत से सॉन्ग में यहाँ से सॉन्ग आती है। चलिए अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए गाइस हमें शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से आप देखिए क्वालिटी बहुत से यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए हमारा ये वीडियो है सेव हो रहा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।